आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि चेंज इन नंबर ऑफ पीपल। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे इसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, ग्रोथ इसके कोजिस क्या है और इसके फेजिस क्या है। फेजिस यानी कौन कौन से चरण रहेंगे जहां पर जनसंख्या के अंदर परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सिंपल टर्म्स के अंदर इसकी बात करें कि चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जब जनसंख्या के अंदर किसी भी टाइम पीरियड के अंदर कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। परिवर्तन कैसे होता है इसके अंदर कि सपोज हमारे जो इंडिया की 2001 की पॉपुलेशन और 2011 की पॉपुलेशन, यहां पर इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है सपोज यहां पर हम लेते हैं 120 और यदि यहां पर 150 हो जाता है तो यहां पर चेंज हुआ है ना। यहां पर ग्रोथ का मतलब सिर्फ हमें चेंज करना है कि जब जनसंख्या के अंदर किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, गिवन टाइम पीरियड के अंदर किसी भी जगह पर यदि जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होता है, जब उसकी संख्या के अंदर परिवर्तन और उसके नंबर के अंदर जब चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है इसके अंदर हम आगे बात कर सकते हैं इसकी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉपुलेशन ग्रोथ के दो अलग पॉइंट हो सकते हैं, एक होता है इसमें पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ चेंज और एक होता है इसमें नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कि जनसंख्या के अंदर यदि उसकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे हो सकता है, जैसे कि यदि मान लीजिए बर्थ रेट और माइनस डेथ रेट और प्लस, साथ में इसमें हम क्या करेंगे, प्लस यानी कि जो डेथ के साथ जो बाहर आएंगे उसमें इन माइग्रेशन प्लस इन माइग्रेशन। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या होती है वो हमारी जो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जहां पर किसी एक समय पीरियड के अंदर, मान लीजिए कोई एक जगह है इसके अंदर जो टाइम पीरियड के अंदर, यहाँ की यदि हम देखते हैं पॉजिटिव के अंदर, इसमें क्या होगा, इसमें जो बर्थ रेट होगा प्लस बर्थ रेट ये प्लस में रहेगी और जो डेथ होगी क्या, डेथ रेट क्या होगी माइनस में, और इसके साथ साथ में बाहर से भी लोग इसके अंदर आकर बसेंगे तो इस जगह की, इस स्थान की जो जनसंख्या है वो चेंज हो जाती है और उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो बर्थ रेट होती है उसको हम बोलते हैं, ग्रोथ को बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरीके से हमारी दूसरी है इसमें नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव के अंदर क्या है, यही पॉइंट हमारे आएंगे इसके अंदर, व्हेन द डेथ रेट इज एक्सीड ओवर द बर्थ रेट। ठीक है, तो बर्थ रेट को जब एक्सीड कर जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन प्लस में होगी या माइनस के अंदर, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड, यदि किसी एक दिए गए समय अंतराल पर किसी स्थान की जो जनसंख्या है उसके अंदर यदि जनसंख्या में कमी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा, जब डेथ रेट क्या होगी, कम होगी, डेथ रेट ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी हमने ये बताया कि व्हेन डेथ रेट इज एक्सीड ओवर द बर्थ रेट,
तो तब हमारी क्या होगी उसमें नेगेटिव आती है, और प्लस में इसमें क्या आएगा आउट माइग्रेशन। एक तो हमारी बर्थ रेट क्या रहेगी, बर्थ रेट क्या रहेगी इसमें नेगेटिव के लिए हमारी बर्थ रेट माइनस में जाएगी, ठीक है। प्लस जो हमारी जो डेथ रेट है वो क्या होगी पॉजिटिव रहेगी, ज्यादा डेथ रेट ज्यादा रहेगी और बर्थ रेट कम होगी, और साथ साथ में जो पॉपुलेशन है उस जगह की वहां पर आउट माइग्रेशन कर जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आया इसके अंदर हमारा जो है व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, व्हेन चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन चेंज। इसको पॉपुलेशन ग्रोथ को हम पॉपुलेशन चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है या जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो यू जस्ट राइट वन आंसर द चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, किसी दिए गए समय अंतराल में यदि किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन बोला गया इसके अंदर। तो इसके साथ साथ में बर्थ रेट क्या है डेथ रेट क्या है, व्हाट इज बर्थ रेट एंड व्हाट इज डेथ रेट। बर्थ रेट डेथ रेट, बर्थ रेट क्या होती है, यदि किसी एक समय अंतराल में यानी वन टाइम पीरियड, वन ईयर का वो टाइम पीरियड हो सकता है, टू ईयर का हो सकता है, फाइव ईयर का हो सकता है, बर्थ रेट के अंदर क्या होता है कि 1000 पॉपुलेशन के पीछे टोटल जो लाइव बर्थ है जो जीवित है जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट, द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द बर्थ रेट। यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे कुल जो या प्रति 1000 पॉपुलेशन के पीछे जो भी हमारी जीवित जो बर्थ है या टोटल जो हमारे जो लाइव बर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं बर्थ रेट बोलते हैं। इसी प्रकार से जो डेथ रेट है वो भी इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है कि 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की जो संख्या है द नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द डेथ रेट। एक इसमें होती है हमारी एक्चुअल ग्रोथ, ये तो होगी हमारी बर्थ रेट डेथ रेट, एक होती है हमारी एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ यानी कि वास्तविक वृद्धि, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में सिर्फ क्या होता है कि बर्थ रेट ज्यादा होती है डेथ रेट कम होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव में क्या होता है कि बर्थ रेट कम होती है और डेथ रेट ज्यादा होती है तो उस जगह की जनसंख्या में परिवर्तन आता है, कमी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन एक्चुअल जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है उसके अंदर किसी दिए गए स्थान पर टोटल बर्थ प्लस उसके अंदर टोटल इन माइग्रेशन, क्योंकि किसी स्थान की जनसंख्या कब बढ़ती है जब मान लीजिए ये वाला एरिया है इसके अंदर एक तो होता है हमारा जो बर्थ और एक होता है इसके अंदर इन माइग्रेशन, यानी कि इस जगह पर कोई लोग आएंगे तभी इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। ये तो हो गया यहाँ पर जो बर्थ रेट होगी यानी कि जितने जो जिन लोगों ने जन्म लिया है बर्थ लिया है और साथ में इन माइग्रेशन बाहर से लोग आ गए, अब क्या होगा इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे डेथ और आउट माइग्रेशन। माइनस क्या होगा इसके अंदर डेथ रेट यानी कि टोटल डेथ और प्लस इसमें क्या होगा साथ साथ में आउट माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, तब इस स्थान की जो जनसंख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे एक्चुअल ग्रोथ, वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि तभी होती है जब किसी स्थान पर हम टोटल बर्थ लेते हैं और साथ साथ में इन माइग्रेशन बाहर से भी लोग आते हैं तब भी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, और उसके बाद में हम वहाँ से यदि टोटल आउट माइग्रेशन निकाल दें या उसमें से टोटल जो है डेथ निकाल दें तो जो लोग बचेंगे उसको हम बोलेंगे
एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसके अंदर ये कॉजेज, इसको कॉजेज बोलते हैं भी, किसी भी स्थान पर जो जनसंख्या के अंदर परिवर्तन आता है कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन पॉपुलेशन एट ए गिवन प्लेस, देयर आर थ्री फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। तो उसमें फर्स्ट इज बर्थ रेट, सेकेंड इज डेथ रेट एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन। माइग्रेशन, ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट है इसको तो हम बोलते हैं नेचुरल फैक्टर, ठीक है, नेचुरल। ये क्या होती है, इंड्यूस, क्या होती है, इंड्यूस, यानी कि इंड्यूस्ड के अंदर हम लेते हैं माइग्रेशन को और नेचुरल के अंदर हम लेते हैं इसके अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट को। तो सबको पता लग गया बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, और पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। इसके साथ साथ में माइग्रेशन, अब किसी भी स्थान की जो जनसंख्या है वो कम या ज्यादा होने के पीछे माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्थान पर यदि बाहर से लोग आकर रहने लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आकर वहां पर सेटल हो गए हैं, तो इसकी वजह से दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है। तो इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं माइग्रेशन के अंदर, देयर आर टू पॉइंट, एक तो होता है इसमें सोर्स और दूसरा होता है हमारा इसके अंदर डेस्टिनेशन। सोर्स ऑफ माइग्रेशन और दूसरा होता है डेस्टिनेशन। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, सपोज आप सिरसा से दिल्ली जा रहे हैं, तो सिरसा क्या रहेगा आपके लिए, सोर्स रहेगा, और जहां आप सेटल होने जा रहे हैं उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। तो माइग्रेशन के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन होता है, जहां पर लोग, सोर्स ऑफ माइग्रेशन मतलब जहां से लोग मूव आउट कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन का मतलब जहां पर लोग मूव इन कर रहे हैं, यानी कि वहां पर जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो फेजेस ऑफ ग्रोथ, इंडिया के अंदर यदि हम बात करें कि जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है उसके में, उसके पीछे कौन कौन से फेजेस है और उस फेजेस के अंदर कौन कौन से हम टाइम पीरियड को लेते हैं, तो देयर आर फोर फेजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ यदि जनसंख्या की बात करते हैं इसके अंदर, तो चार इसके अंदर फेजेस आते हैं। इसको बोलते हैं फेजेस को बोलते हैं चरण, ध्यान से सुनना इसको, फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे पहला है फेज, फेज यानी के चरण, फेज वन। फेज वन का जो टाइम पीरियड है वो 1901 से लेकर 1921। तो सबसे पहले आप लोगों को इन फेजिस के टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि इस फेजिस का टाइम पीरियड क्या है। पहले हम फेजिस लिख लेते हैं यहां पर, फेज वन, फेज टू 1921 से लेकर 1951, 1921 से लेकर 1951, फेज थ्री 1951 से लेकर 1981, और फेज जो और है वो 1981 से लेकर टिल डेट, यानी कि आज तक, ठीक है, या टू डेट जिसको हम बोलते हैं। तो हर एक जो फेजिस है उसकी अपनी अपनी अलग अलग जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के पीछे कारण रहे हैं या कहीं पर कमी आई है, तो उसमें इनके नाम दिए गए हैं अलग अलग। यदि हम फेजिस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा फेजिस है इसको बोलते हैं स्टेगनेंट फेज। अब इसकी हम बात करें कि क्या है स्टेगनेंट, स्टेगनेंट फेज, स्टेगनेंट जो फेज क्या है। दूसरा जो हमारा इसके अंदर जो फेजिस रहेगा
इसको हम बोलते हैं जो हमारा जो सेकंड फेज है जो 1921 से लेकर 1951 है, ये हमारा जो है इसके अंदर स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं इसको, स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फोर्थ जो हमारा थर्ड हमारा रहेगा 1951 से लेकर 1981, ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसके अंदर के जो 1981 से लेकर आज तक यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो जनसंख्या के अंदर धीरे धीरे जो है कमी आई है, इसको हम एक नाम दिया गया है जिसके अंदर इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड। अब हम वन बाय वन इन फेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है 1901 से लेकर 1921, इसके अंदर जो जनसंख्या के अंदर जो स्टेगनेंट ग्रोथ, स्टेगनेंट फेजेस का मतलब इसके अंदर जो जनसंख्या वो स्थिर रही, हालांकि यहां पर जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। बर्थ रेट भी हाई थी, इसके साथ साथ में डेथ रेट भी हाई थी। जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं तो जनसंख्या के अंदर परिवर्तन नहीं आता है। डेथ रेट हाई होने के पीछे कुछ रीजन रहे हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और साथ साथ में कुछ जो है एपिडेमिक्स जिसको हम बोलते हैं महामारी, वो फैल गई थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करें तो काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे लोग मारे गए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, और उस टाइम यदि हम बात करें तो मोस्टली जो हमारी एक्टिविटीज थे वो प्रीमिटिव स्टेज के अंदर थी, ज़्यादा इतना डेवलपमेंट भी नहीं था, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन के अंदर जो वृद्धि है वो बहुत कम देखने को मिली। यदि हम इस चरण की बात करें, इस फेजिस की बात करें, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन के अंदर जो बढ़ोतरी है वो सिर्फ 0.31%, ठीक है, 0.31% बढ़ने के बजाय बल्कि कम हुई थी। ठीक है, तो इस ये एक नेगेटिवल है, इसको हम इतना नहीं मान सकते हैं कि इतनी जो वृद्धि है 0.31, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जनसंख्या के अंदर परिवर्तन यदि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर ये अप्लाई करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा जो फेजिज है, आप इस तरह से फेज लिखेंगे और हर एक फेज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बतानी पड़ेगी, मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि क्यों यहाँ पर जनसंख्या के अंदर परिवर्तन हुआ, कम हुई या ज़्यादा हुई। 1921 से लेकर 1951 यानी कि 1921 से लेकर 1951 इंडिया की पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके अंदर ये सेकंड फेज था, इसको स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है तो यहाँ से जनसंख्या के अंदर धीरे धीरे जो है बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी थी। अब इसके पीछे भी कुछ यदि हम बात करें कि यहाँ पर स्टडी इसके अंदर यदि हम बात करें कि 1921 से लेकर 1951 तक यदि हम उनको अलग अलग उसको टाइम पीरियड में डिवाइड करें, जैसे कि 1921 से लेकर 31, ठीक है, और 41 और 51, तो 1921 और 31 और 41, 21 से लेकर 31 और 31 से लेकर 41, इन दो टाइम पीरियड के अंदर, टू डिकेड्स के अंदर जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हुई। लेकिन यहां आते आते 1941 से लेकर 51 के बीच में क्या हुआ, यहां पर एक तो हमारा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से लेकर 1942 44, और उसके बाद में
इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इसके अंदर पार्टीशन हुआ था ना, तो पार्टीशन की वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या के अंदर जो गिरावट देखने को मिली, ठीक है, देयर इज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 1941 टू 1951 ड्यू टू द पार्टीशन एंड ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ से पहले की यदि हम बात करें तो इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे परिवर्तन हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डेवलपमेंट होने लगा, और धीरे धीरे हमने क्या है मेडिकल साइंस के अंदर भी जो है प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी थी, तो जिसकी वजह से जो हमारी कुछ हमने जो बर्थ रेट के दौरान जो डेथ होती थी उसको हमने कुछ कंट्रोल किया। तो इसकी वजह से 1921 से लेकर 1951 में एक तो वर्ल्ड वार सेकेंड और पार्टीशन ऑफ इंडिया की वजह से जो जनसंख्या के अंदर ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद थर्ड जो स्टेज हमारा आता है 1951 से लेकर 1981, इसको बोलते हैं इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, कि यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट जिसको हम बोलते हैं, जनसंख्या के अंदर तीव्र वृद्धि। इसके पीछे भी कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि 1951 से हमारा एक तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो डेवलप हो गया, 1960 और 70 के आसपास में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी की, मेडिकल फैसिलिटी हमें मिलने लगी, इससे इसकी वजह से हमने क्या है डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल होना भी क्या है पॉपुलेशन के अंदर बढ़ोतरी होती है। यदि हम मतलब हमारा उस टाइम तक बर्थ रेट के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन हमने डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल किया और मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को मिलने लगी, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, साथ साथ में अर्बनाइजेशन हुआ, तो लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटीज मिलने लगी। हालांकि यहाँ आते आते हमने क्या है बर्थ रेट के ऊपर कंट्रोल करना शुरू नहीं किया था, तो जिसकी वजह से जनसंख्या के अंदर एकदम से क्या बढ़ोतरी हुई। यदि हम इसके अंदर थोड़ा बात करें कि जो पॉपुलेशन के अंदर जो बढ़ोतरी यानी कि परसेंटेज के अंदर ग्रोथ की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 1981 के अंदर ये देखिए इसके अंदर 1961 के अंदर ये थी 21.64, 1961 के अंदर ये थी 21.64%, और 1980 की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा 1980 में है ये 24.66 और 24.80 मैं यहाँ पर इसको पता चली देता हूँ 1961 और 1981 21.64 24.88 और 24.60। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है डिकेडल ग्रोथ, उसके अंदर जो 1971 की जो सेंसस है उसके अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ हुआ है 24.88%। इससे पहले यदि हम बात करें 1921-31-51 तो वहाँ से धीरे धीरे क्या है बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो जब पीक आई वो 24.88% थी 24.88। इसके बाद में भी जो है ट्रेंड हुआ डाउनवर्ड का, यानी कि जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, और जो है हर एक डिकेडल के बाद में जैसे कि जो हमारी जो सेंसस होती है उसके बाद जो है जनसंख्या के अंदर हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, जिसके अंदर जो है ग्रोथ रेट बढ़ने की बजाय हमें एक क्या ट्रेंड मिला डाउन होती गई डिक्रीज होती गई। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि 1981 के अंदर ये 24.6% थी, फिर 1991 के अंदर ये हुई 23.8%, 91 के अंदर ये हुई 21.7%, ठीक है। इसके बाद में फिर ये और इसके डाउनवर्ड चले, तो ये देखिए 23, 21 और 2011 की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 17.64%, यहाँ पर ये 23 और 2001 के अंदर ये 21 और 2011 के अंदर ये 17%।
अब जो 2021 की जो ग्रोथ रेट आएगी उसके अंदर देखते हैं कि कितना इसमें बढ़ोतरी होती है या कितना इसमें कमी आती है। लेकिन यदि अब आप ये तो मान रहे हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ रेट है, जो बढ़ने की जो दर थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लो हो रही है, कम हो रही है। तो इसका आने वाले टाइम पीरियड के अंदर हमें जो इसका बेनिफिट मिलता है। यदि हम इसकी बात करें 1981 से लेकर टिल डेट, तो उसमें हमने देखा कि 1981 के बाद जनसंख्या के अंदर धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन या ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो लार्ज फैमिलीज थी, ठीक है, उनके जो डीमेरिट्स या नेगेटिव पॉइंट सामने आने लगे लोगों को, कि बड़ी फैमिली के बजाय हमें स्मॉल फैमिली के अंदर रहना चाहिए, स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स और लार्ज फैमिली के डीमेरिट्स, ठीक है, लाभ और हानि जैसे आप करते हैं ना, तो वो जब लोगों को पता लगने लगा और धीरे धीरे फिर क्या है, जो पहले जो टाइम पीरियड होता था अर्ली जो स्टेज के अंदर मैरिज कर देते थे, वो अब टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ने लगा, ठीक है। तो अब जैसे कि धीरे धीरे पहले के टाइम में जो शादी का जो टाइम होता था लड़कियों की, वो 18, 19, 20 तक हो जाती थी, लेकिन आज और आने वाले टाइम के अंदर जो है, क्योंकि सब एजुकेटेड हो गए हैं, तो धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करने के बाद में वो 25 से अब वो चला गया है। इसके साथ साथ में लोगों को जो है जैसे फैमिली प्लानिंग इनके बारे में वो अवेयर हो गए हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर का डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। तो ये चार इसके अंदर ग्रोथ थे, ग्रोथ की फेजेस थी हमारे इंडिया के अंदर, कि कौन कौन से फेजेस के अंदर क्या क्या इसको नाम दिया गया, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो इसमें से आई होप कि आप लोगों को ये पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जो चैप्टर है वो समझ में आया, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ और पॉपुलेशन क्या है, ये सारी की सारी बातें हमने डिस्कस की।